मैम यहाँ पे यहाँ पे मैडम खैरियत थैंक यू ज़रीना जी हाँ हाँ वहाँ पे लेते हैं वहाँ पे वहाँ पे हम पोस्टर है नहीं मैम सोलह पचास मैम ज़रीना जी मैम या मैडम आपके लेफ्ट में बोलते हो सेंटर लुक मस्त सेंटर एक और बार लेफ्ट में प्लीज थैंक यू बोल सोलो सोलो फटाफट यहाँ पे यहाँ पे मैडम मैडम मैम का सोलो ज़रीना जी लेफ्ट में सेंटर ये लाइट किसकी है मैम यहाँ पे थैंक यू सेंटर भाई मुस्तफा भाई सेंटर लो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोग इतनी बारिश में आए सर आप भी आए थैंक यू सो मच ओके सो मैम सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगी आपका एंड यू नो बहुत सारे एक्टर्स हैं लेकिन यू आर द ओनली एक्टर जिनको हमने कॉन्स्टेंटली फिल्में करते हुए देखा है और हमने ऑन स्क्रीन पर्दे पर आज तक अभी तक हम देखते आ रहे हैं तो व्हाट कीप्स यू गोइंग यू नो कितना व्हाट कीप्स यू गोइंग
आई डोंट नो, मुझे लाइट्स कैमरा एक्शन ये जो तीन लव्स हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं. तो शादी के बाद मैंने 10 साल काम छोड़ दिया था. उसके बाद मैंने देन आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड आई वांट टू वर्क. ही सेड या आई नेवर स्टॉप्ड यू, यू कैन वर्क. सो फिर से मैंने टेलीविजन से काम मैंने शुरू किया. निम्बस का मैंने एक अग्नि सीरियल से मैंने फिर वापस काम शुरू किया. वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं तो घर वापस आ गई. इट वॉज लाइक दैट. मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है. अभी मुझे एक्चुअल में देखा जाओ तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम करती हूँ क्योंकि मुझे काम से बहुत क्या कहते हैं शक्ति शक्ति मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है. ओके सो यू नो जैसे कि आपने कहा 10 साल आपने काम नहीं किया, 10 साल बाद आप जब वापस आई तो क्या चेंजेस देखे? कोई चेंजेस हुए थे सिनेमा में टाइप्स? पता नहीं, लेकिन नहीं फिल्में तो मैंने शुरू नहीं किया था उस वक्त, टेलीविजन से शुरू किया था क्योंकि टेलीविजन काफ़ी फॉर्म में आ चुका था जब मैंने. तो लोग तो बहुत अच्छे सीरियल, बालाजी के इतने सीरियल आते थे. मैंने कहा नहीं नहीं, मस्ट वर्क इन टेलीविजन. ऐसा नहीं है कि फिल्मों में ही काम करना है, एक्टिंग करने से मेरा मतलब था. चाहे आप टेलीविजन में काम करो या फिल्मों में काम करो या स्टेज पे काम करो, एक्टिंग ये होती है. सो मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना. ओके सो जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि क्या चेंजेस देखे आपने, तो आज के दौर के एक्टर्स और आप लोग जब एक्टिंग करते थे तभी के दौर में और अभी के दौर में ह्यूज डिफरेंसेस आ गए. यू नो आज के टाइम के एक्टर्स जो है वो ऑलरेडी सीखे हुए रहते हैं, जहाँ वो क्लासेस लेके आते हैं. आप लोग नहीं, क्योंकि जब मैं भी आई थी मैं भी सीखकर आई थी. आई वेंट टू पुना फिल्म इंस्टीट्यूट, ऐसे नहीं मैं आ गई हूँ. यू नो पुना फिल्म इंस्टीट्यूट में बाकायदा ट्रेनिंग दी. कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने आप बढ़ जाते हैं, कुछ पौधों को माली का हाथ लगता है तो वो निखर जाते हैं. तो ये एक्टिंग क्लासेस जो लेते हैं लोग, वो समझिए एक माली की तरह एक आर्टिस्ट को निखारता है. ओके, टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट फिल्म जो अभी आ रहा है, द लास्ट मिल जिसका नाम है, तो सबसे पहले तो नाम ही अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है कि ये द लास्ट मिल क्यों है. तो इसके पीछे की कोई स्टोरी बताना चाहेंगे? नहीं, इसके पीछे की स्टोरी कुछ नहीं, क्योंकि जब बच्चा जा रहा है अपने देश की सेवा करने के लिए तो पता नहीं वो वापस आएगा या नहीं. फिर भी माँ अपनी तरफ से सब कुछ उसको खिलाना चाहती है जो उसको पसंद है. एक लास्ट मील समझ के ही खिलाती हैं, लेकिन हो भी सकता वापस आए, हो भी सकता ना वापस ना आए. सो इमोशनल है, बहुत अच्छा लगा करके मुझे. मुस्तफा इज अ स्वीट हार्ट, बहुत प्यारा बच्चा है. आई मीन ही इज़ लाइक माई सन. आई मीन उसको देख के पहले दिन, जिस दिन मैं मिली थी, मुझे फर्स्ट डे ही हम लोग कनेक्ट हो गए थे. बहुत प्यारा सा बच्चा है. एंड जब मैं कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा मैं अपने बेटे के साथ ही काम कर रही हूँ. और यू नो रियल लाइफ में भी आप मॉम हैं, इस फिल्म में भी मॉम का किरदार निभा रही हैं. कितना रिलेट कर पाई जब हम बात करें मॉम की, तो मॉम ही होती है, लेकिन कितना रिलेट कर पाई अगर हम बात करें बच्चों के साथ में बॉन्डिंग की, या फिर हम बात करें उनके साथ पर्सनल रिलेशन? नहीं, बच्चों के साथ एक फैमिली बॉन्डिंग, चाहे आप साथ में बैठ के खाना खाओ या ना खाओ, साथ में बैठ के मूवीज देखो या ना देखो, एक बॉन्डिंग तो होती है. क्योंकि फैमिली बॉन्डिंग वो बोलने वाली चीज़ नहीं, वो अपने आप ही होती है. सो बॉन्डिंग कैसी, बॉन्डिंग एक माँ बाप में और बच्चों में कैसी बॉन्डिंग होती है, वो हर फैमिली में होती है. हर माँ का हर बच्चे के साथ होता है. सो इट्स नथिंग न्यू अबाउट इट. ये तो ये इमोशनल ऊपर वाले ने लिख के ही भेजा है सबके साथ. इट हैपेंस. एक चेंज और भी आया है फिल्म इंडस्ट्री में, वो ये है कि यू नो आजकल हर गाने के रीमिक्स होने लग गए हैं. अब अच्छा है, रिमिक्स आते हैं तो, क्योंकि रिमिक्स आया है तो भी 10 साल 12 साल के बाद, जब तक जनरेशन 10 साल आगे बढ़ चुकी है. सो बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं कि ये मतलब अच्छा ये गाना था पहले. यू नो इट्स लाइक दैट. आजकल तो यूट्यूब में इसमें उसमें सब सारे गाने बच्चे देख सकते हैं, लेकिन अच्छा है, रिमिक्स करते हैं लोग, उसको भी एंजॉय करते हैं, वो भी फेमस हो जाते हैं. सो इट्स फाइन. लेकिन कई सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है. आप पर्सनली इस पर क्या बोलते हैं? इट्स ओके. एवरी फिल्म, हर फिल्म में रीमिक्स नहीं होता है, एक आध फिल्म में तो आई थिंक इट्स ओके. इट्स पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, सो इट्स फाइन. ओके सो अगर बात करें हम मुस्तफा की, तो यू नो उनके भी डैड ऑलरेडी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. क्या लगता है कितना हेल्प करता है जब यू नो फैमिली ऑलरेडी इंडस्ट्री में होती है, तो उनके बच्चों को कितना हेल्प मिलता है? नहीं है, एक सबसे बड़ी हेल्प ये होती है कि लोगों को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एक न्यू कमर को
इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा आसान हो जाता है, तो बाहर के बच्चे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, कितने बाहर के लोग हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को थोड़ा एक है कि उनको क्या बोलें, काम मिलने में आसान हो जाता, मैं ये नहीं कहती, काम मिलना आसान नहीं है। अगर आप वर्सटाइल हैं, अगर आपको ये मिलना है तो वो मिलेगा। ये बात है कि आप फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे जो हैं सब लोगों को जानते हैं, तो उसमें थोड़ा मेल मिलाप में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, लेकिन काम मिलने में आसानी होगी ये मैं नहीं मानती। सो डू यू थिंक कि सोशलाइजिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? यही नहीं, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, ये सोशलाइजिंग जो है वो होना ज़रूरी है, वो होता भी है, फिल्मों में ही होना है, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, आपने आदित्य सर ने बहुत सालों तक के यू नो सालों से काम करते आ रहे हैं आप दोनों इंडस्ट्री में, लेकिन जब आपके बच्चे उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें भी इंडस्ट्री में जाना है, तो कोई एडवाइस वगैरह कुछ दी थी उनसे? नहीं, क्योंकि मेरा बेटा जो है सूरज, तो उसके दिल में ये बात का भाई मुझे पता नहीं है। वो हमारे घर में, हमारे बिल्डिंग में संजय लीला बंसाली जी रहते हैं, उनसे जाके बात करके भी आ गया, मुझे पता नहीं, ही वांटेड टू असिस्ट हिम, तो फिर आके मुझे बताया, माँ मैं संजय सर से मिल के आया, मैं उनको असिस्ट करने वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये ख्याल कब आया? नहीं, बस यू नो इट्स लाइक दैट, वो बच्चों के दिल में कब आता है, दिमाग में कब आता है, आपको बाद में पता चलता है, घर वालों को सबसे लास्ट में पता चलता है। पर अगर हम बात करें डिजिटल स्पेस की, तो अभी-अभी ये शॉर्ट फिल्म भी डिजिटल स्पेस में आ रही है, बहुत इंक्रीज हुआ है बहुत, क्योंकि आजकल ये डिजिटल लोग बहुत देखते हैं, अच्छा है, जैसे नेटफ्लिक्स है, ये है वो है, अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, लोग घर में बैठ के इंजॉय करते हैं, देखते हैं, फाइन। अभी एक फिल्म आने वाली है धारा 370, ये कश्मीरी पंडितों पे और मुस्लिम्स पे है, वो फिल्म कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। और एक फिल्म है फौजी कॉलिंग, आर्यन सक्सेना उसके डायरेक्टर हैं, ये फिल्म भी एक शेड्यूल बाकी है, झारखंड में हमने शूट किया था, वो एक शेड्यूल के लिए फिर वापस जाना है, वो भी हो जाएगी, दो फिल्में आने वाली फिल्मों में है। और ये फिल्म भी कुछ इसी तरीके की है, कश्मीर? नहीं 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 नहीं, नहीं अलग है, वो धारा 370 में कश्मीरी पंडित की बीवी का रोल मैं कर रही हूँ। सो देखो ओके, सो लास्टली क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से, आपके फैंस से? मैं कई सालों से, शायद आप लोग इसमें से कई लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से मैं काम कर रही हूँ, और इतने सालों से आप लोग, आई होप आप लोग मेरा काम पसंद करते हैं, और उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप अच्छी फिल्मों को देखिए और अच्छी फिल्मों को इनक्रेज कीजिए, तो बनाने वालों को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम।